Hello friends, welcome back here. This is Dr. Archana Pandey and I hope you are doing great and safe at home. Today we'll be talking about one of the most, you can call that is the trendiest thing which we see mostly the influencers or the high profile people, they are trying it out. Like I'm here to talking about that is the, just hold on, this is what it about. This is, if you can see it very clearly, that is today I will be talking about the chamomile green tea. Now this is a little bit fascinating. Like पहले मुझे भी बहुत like जब तक मैंने use नहीं किया था मुझे लगता था chamomile tea क्या होता है, really वो effective है कि नहीं है जो भी वो claim करते हैं. So I thought of trying it out and by following one of the YouTubers, the brand she suggested, that is this one, that is from Only Leaf. I got it from the Amazon and that comes with 25 you can say the tea bags. Along with that they have sent these two different variants as well, that is being remaining. I have not tried yet. That is their rose green and the ashwagandha green, and this costed me around, just a second, that is I think it's 250 plus shipping charge was there. So I thought of trying it out. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि कैमोमाइल क्या होता है. सो जिनको आइडिया नहीं है सो विल गो फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू दैट. सो बेसिकली कैमोमाइल एक कॉमन फ्लावर आप बोल सकते हो, जैसे डेजी फ्लावर्स जो होते हैं, आई जस्ट ऐड द इमेज नेक्स्ट ईयर, यू कैन सी येलो कलर के छोटे फ्लावर्स होते हैं, वो उस कैटेगरी को बिलोंग करता है जिस फैमिली का नाम है एस्टेरेसी. नाउ उसके अंदर दो ऐसे स्पीशीज होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं उनके ही प्रजाति होते हैं, जिसे हम हर्बल कुछ कॉम्बिनेशंस बोल सकते हो, मेडिसिन है या फॉर्मुलेशन में यूज करते हैं. वो है द फर्स्ट वन, दैट इज गोइंग टू बी योर मैट्रिकाना रूटिका, एंड द अदर वन इज द एस्थमिस नोबिलिस. ये दो वेरियंट्स या स्पीशीज है जो मोस्टली हर्बल इन्फ्यूजन मेडिसिन में यूज होते हैं. बेसिक अगर हम देखें इसका मेन जॉब जो होता है वो होता है स्ट्रेस को रिलीव करना, एंग्जाइटी को रिलीव करना. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स कि इसको हमें कितना लेना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप जब भी स्ट्रेस में हो रहे हो तो आप पूरे दिन पी रहे हो, या मतलब नहीं बोलते कि अभी स्ट्रेस हुआ लो कैमोमाइल टी पी लिया, स्ट्रेस हुआ कैमोमाइल टी पी लिया. नो, इट शुड डू नॉट बी लाइक दैट. एज पर द रिसर्च एंड द सर्वे, दैट इज 900 से लेके 1200, लाइक 900 टू 1200 मिलीग्राम आप कैप्सूल के फॉर्म में ले सकते हो. और एल्स अगर आप इस तरह से टीज के फॉर्म में लेते हो, लाइक आई शो यू हाउ इट लुक्स लाइक लेटर, कि अगर आप टी के फॉर्म में ले रहे हो तो आप 1 to 4 कप्स पर डे, दैट इज द लिमिट ऑफ इट. अगर आप इसको बहुत ज्यादा लेंगे तो भी इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स ऑफ कि नेचुरली, द क्वेश्चन इज कि क्या नेचुरली ये चीज हमें मिल सकती है. सो नेचुरली ये सिर्फ और सिर्फ उस कैमोमाइल जो फ्लावर है या जो वो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं उसमें से ही ये हमें मिलेगा. बाकी एज सच और कोई सोर्स नहीं है कि जहां से हमें कैमोमाइल मिल सकता है. नाउ वॉट इज द रिस्क ऑफ टेकिंग, अगर आप उसको काफी ज्यादा डोज में लेते हैं तो क्या हो सकता है. सबसे पहले तो ये आपको ड्राउजी फील कराएगा, लेजी टाइप एकदम, एंड देन इट मे लीड टू द वॉमिटिंग. देन कुछ लोग होते हैं जो एलर्जिक होते हैं फ्लावर्स को लेके, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे रोज अगर स्मेल कर लिया तो सर दर्द हो जाता है, या कोई और फ्लावर है तो उस टाइप से अगर किसी को एलर्जी है इस स्पीशीज को लेके, एस्टेरेसी फैमिली या डेजी जैसे जो भी फ्लावर्स दिखते हैं, तो दे कैन बी एलर्जी टू दिस ग्रीन टी. ऑल्सो इस फ्लावर में जो कैमोमाइल फ्लावर है उसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है कोर्यूमिन. ठीक है, अब कोर्यूमिन का काम क्या होता है कि वो हमारा ब्लड जो होता है ना उसको थोड़ा और थिन करता है. ठीक है, आइडियली हमारा ब्लड जो होता है वो काफी थिक या बहुत ही थिन नहीं होना चाहिए, उसका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन रहना चाहिए बॉडी के अंदर, तो ही वो हेड से टो तक अच्छे से फ्लो करता है. नाउ ये जो कोर्यूमिन है कंपाउंड वो ब्लड को और थिन करता है. तो सपोज अगर इफ यू हैव एनी मेडिकल प्रॉब्लम और एनी ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू दिस, तो यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट एंड देन ओनली यू कैन कंज्यूम दिस टी. ऑल्सो अगर हम इसके बेनिफिट्स की बात करें तो जो सबसे अच्छा बेनिफिट है, लाइक मोस्ट ऑफ गर्ल्स दे फेस ऑफ और द वुमेन्स, दैट इज द मेंस्ट्रुअल पेन. जो हमें मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे स्पेशली ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड डे जो होता है, तो दैट हेल्प्स इन कामिंग दैट एज वेल.
Second property, that is, it helps in treating the diabetes or lowering the blood pressures. Then it reduces the inflammation. कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ मेडिसिन लेते हैं या बहुत ज्यादा सो जाने पे वी फील फ्लफी या स्वेलिंग टाइप इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में दिखता है, तो इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग दैट एंड इट ऑल्सो हेल्प इन गेटिंग अ गुड स्लीप एंड द रिलैक्सेशन. सो दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, यू कैन से, जो ये क्लेम करता है कि ये एंग्जाइटी को रिलीज करता है और हमें एक अच्छी स्लीप को इंड्यूस करता है. बिकॉज यू कैन, इट फंक्शंस लाइक, एक ड्रग का नाम है दैट इज बेंजोडाइपिजिन. ठीक है, दिस इज अ ड्रग जो आइडियली एंग्जाइटी या स्लीप को इंडक्शन के लिए यूज होता है. सो कैमोमाइल हैव समवॉट लाइक दैट कंपाउंड, जिसकी वजह से वो चीज होती है. सो ये हुआ ओवरऑल, यू कैन से कि इस कैमोमाइल क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है. नाउ आई विल शेयर माय ओन एक्सपीरियंस कि लाइक जब मैं इसको लास्ट, आई थिंक यू कैन से 1 month से अब ले रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ लाइक 2 से 3 ही ये बचे हुए हैं, बाकी मैंने सब यूज़ कर लिया है. एंड अब इसमें ये जो क्लेम करते हैं कि लाइक इट इज़ हैविंग नो ब्रोकन, देन नो फैनिंग्स, कोई भी डस्ट नहीं है, 100% इसमें लीव्स है. आई विल ओपन एंड शो टू यू कि एक्चुअली इसका पैकिंग कैसा है. लाइक यू कैन जस्ट टियर लाइक दिस एंड आई जस्ट शो यू, इट कम्स ऑफ लाइक दिस इन द दिस टी बैग जो आइडियली आते हैं. तो अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो इफ़ यू कैन सी इट वेरी क्लियरली कि इसमें आपको येल्लो कलर के छोटे छोटे कुछ फ्लावर्स टाइप दिखेंगे. जब आप इसको ग्रीन उसमें डालेंगे पानी में तो और ज़्यादा ही विजिबल होगा. जैसे कि आप यहाँ पे एक देख पा रहे हो, दिस द स्मॉलर वन, दिस इज द येल्लो कैमोमाइल फ्लावर. नाउ आइडियली व्हाट यू हैव टू डू, इसको आपको 150 ml वाटर लेना है जो थोड़ा ल्यूक वॉर्म या हॉट होना चाहिए. एंड देन यू हैव टू सिंपली स्टिप इन, जैसे हम आइडियली कोई भी ग्रीन टी पीते हैं. और फिर उसके बाद आपको इसको 2 minutes तक इन्फ्यूज होने देना है एंड देन यू कैन हैव इट. नाउ आइडियली व्हाट इट क्लेम्स ऑफ कि इससे आपको एक अच्छी नींद आती है. ठीक है, अच्छी नींद आती है, ये बात सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में 1-2 दिन लिया तो मुझे ऐसा लगा कि यस आई एम गेटिंग अ गुड स्लीप. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक विथ यू, अभी मैं इसको लेती हूँ तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है. मतलब मेरा जो रूटीन टाइम होता है, मुझे उतने बजे ही नींद आती है और ऐसा कुछ मतलब मेजर डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा है. स्टार्टिंग में 1-2 दिन मुझे लगा था दैट मे बी बिकॉज ऑफ मेंटल यू नो सेटिस्फैक्शन कि ओ आई एम हैविंग कैमोमाइल ग्रीन टी तो उसकी वजह से मुझे नींद आ रही है. बट अभी ऐसा कुछ मुझे नहीं लग रहा है. सो आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग दिस विद, बस इसको अब जैसे मतलब बाय किया हुआ है तो आई हैव टू जस्ट फिनिश इट ऑफ. अदरवाइज ठीक है, अगर अगर मे बी शायद इट मे वर्क फॉर यू बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. सो डू लेट मी नो अगर आप इसको ट्राई करते हैं और अगर ये आपको काम करता है आपके ऊपर, मे बी देन इट्स वेल एंड गुड, बट इट डिडंट वर्क फॉर मी. सो आई विल नॉट बी कंटिन्यूइंग इट विद एनी मोर. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट्स, आई विल बी रियली हैप्पी टू आंसर देम. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.